हरियाणा में आतंकी अलर्ट है। वजह यह है कि बड़ा आतंकी हमला हुआ था अमृतसर में। 5 से 6 आतंकियों के हरियाणा में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा खुफिया विभाग ने इनपुट मिलने के बाद अलर्ट को जारी किया है। फतेहाबाद से खबर, जहां पर लावारिस गाड़ी मिलने से हड़कंप मच गया है। फतेहाबाद के राजस्थान पंजाब बॉर्डर एरिया में नाकेबंदी कर दी गई है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी संदिग्ध लोगों और वाहनों पर नजर रखी जा रही है। तमाम होटल्स, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, बाजारों में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पूरे हरियाणा में खुफिया विभाग और पुलिस अलर्ट पर है। अमृतसर में निरंकारी भवन में हमले के बाद से हरियाणा में चौकसी, अलर्ट पर है हरियाणा। पूरे हरियाणा में खुफिया विंग और पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैदी के साथ चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। वाहनों को रोककर जो संदिग्ध नजर आ रहे हैं, जो लोग संदिग्ध नजर आ रहे हैं, उनको रोककर चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो होटल्स हों, मॉल्स हों, रेलवे स्टेशन हों, पार्क हों, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हरियाणा पर मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा। आशंका यह है कि 5 से 6 आतंकी छिपे हो सकते हैं। वजह यह है कि फतेहाबाद में एक लावारिस गाड़ी मिली है, इसके बाद हड़कंप मच गया है। फतेहाबाद के राजस्थान पंजाब बॉर्डर एरिया में नाकेबंदी कर दी गई है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। तमाम जो बॉर्डर एरिया है वहां पर बैरिगेटिंग कर दी गई है। जो वाहन यहां से गुजर रहे हैं उनको रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, उनके दस्तावेजों को भी चेक किया जा रहा है। ये 6-7 है जो जेएम आतंकवादी थे, इनके बारे में पंजाब में छुपे होने की सूचना और पंजाब से दिल्ली में जाने के बारे में जो है ये इनपुट प्राप्त हुई थी, ये स्पेशल हरियाणा की तरफ से और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी इनकी तरफ से। तो इस संबंध में श्रीमान SP साहब ने सभी प्रबंधक थाना और सभी चौकी इंचार्ज को, जो संवेदनशील स्थान है और जो महत्वपूर्ण स्थान है, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, शॉपिंग मॉल है और बाजार है, उनको और होटल वगैरह है, टैक्सी स्टैंड है, इन पर निगरानी करने का आदेश पहले दिए जा चुके हैं। इसके अलावा सभी प्रबंधक थाना को और चौकी इंचार्ज को, स्पेशल स्टाफ को चाहिए टोहाना और फतेहाबाद को अपने अपने इलाके में PCR राइडर और अपनी स्पेशल गाड़ियों से गश्त करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। जो 7 लगते हैं जो पंजाब और इसके राजस्थान के जो इलाके हैं वहाँ पर नाकाबंदी के लिए नाके लगाए गए हैं। जो नाके पे है सभी जवानों को यह अच्छी तरह समझाया गया है, जो भी संदिग्ध वाहन है या संदिग्ध जो व्यक्ति है उसकी गहनता से। रमेश भट्ट हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। रमेश, पूरा हरियाणा इस समय आतंकी अलर्ट पर है, खासतौर पर फतेहाबाद की बात की जाए जहां से वो गाड़ी लावारिस हालत में मिली है, कुछ इनपुट मिल पाया क्या? देखिए बिल्कुल, जो फतेहपुर पुलिस द्वारा जो आज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं शहर की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं, क्योंकि फतेहाबाद की बात की जाए तो फतेहाबाद जो इलाका है ये पंजाब और राजस्थान से सटा हुआ है, इसको लेकर जो SP द्वारा सीमाएं भी सील की गई है। आने जाने वाले जो वाहन है उन पर भी नजर रखी जा रही है। फतेहाबाद की बात की जाए तो फतेहाबाद में एक लावारिस गाड़ी मिली थी, जिसके बाद पुलिस जो सत्ते में आई है, उसके बाद पुलिस लगातार पानीपत पुलिस से संपर्क साध रही है और गाड़ी का जो लावारिस होने का पता कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो गाड़ी है असमालखा से, ये गाड़ी जो व्यक्ति की चोरी हुई बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि हमने नाकेबंदी कर दी गई है, इसके अंदर जो भीड़ वाले इलाके थे उन पर भी पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। होटल मालिकों को निर्देश दिया गया है कि लावारिस व्यक्ति कोई आगे रुकता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाएगी। शुक्रिया आपका रमेश भट्ट इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पूरे हरियाणा में इस समय अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो कि बॉर्डर एरियाज है वहां नाकेबंदी कर दी गई है और भीड़भाड़ वाली जगहों पर खास मुस्तैदी बरती जा रही है। रोहतक का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर किस तरह की सरगर्मी है? हमारे सहयोगी वहां पर इस समय मौजूद हैं और सुरेंद्र आपके पास आना चाहेंगे। ये बताइए कि इस समय रोहतक में किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, चूंकि पूरे हरियाणा इस समय हरियाणा जो है आतंकी अलर्ट पर है, नाकेबंदी की गई है, जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पर दबिश भी दी जा रही है, पुलिस प्रशासन काफी चौकस है। रोहतक में इस समय कितनी मुस्तैदी? सुरेंद्र तक आवाज पहुंच रही है? रोहतक की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रोहतक में भी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर भी काफी चौकसी है, क्योंकि बॉर्डर एरिया को सील किया गया है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि आशंका है कि 5 से 6 आतंकी
हरियाणा में दाखिल हो सकते हैं। एक लावारिस गाड़ी मिली फतेहाबाद में और ये वही गाड़ी है जिसमें आतंकी फरार हुए थे। ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में दाखिल हो सकते हैं 5 से 6 आतंकी। इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर है पूरा हरियाणा, पुलिस प्रशासन बेहद चौकस है। अमृतसर के निरंकारी भवन में ब्लास्ट में तीन लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी, जिसके बाद चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो या हरियाणा हो, अलर्ट मोड में है ये राज्य।